नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। बड़े बड़े दावे किए थे, इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, नई फैक्ट्रियां लगेगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और खूब रोजगार मिलेगा। लेकिन उनकी हर स्कीम की तरह मेक इन इंडिया स्कीम भी फेल हो गई। आंकड़ों के मुताबिक यूपीए सरकार में 2013 से 14 के दौरान मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी में हिस्सेदारी 17.3% थी, जो 10 साल बाद भी उतनी ही। इसका सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया 10 साल बाद भी वो कांग्रेस की सरकार में किए गए विकास पर रेंग रहा। मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए मोदी जी आपको बताते हैं कि आपका मेक इन इंडिया फेल कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार। बुनियादी ढांचे में कमी। भारत में बुनियादी ढांचे जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बिजली और पानी की सुविधाओं की कमी, जो कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी बाधा है। कारखाना लग जाता है, प्रोडक्शन भी हो जाता है, लेकिन उसे देश के अलग अलग हिस्सों और पोर्ट्स तक पहुंचाने की लागत बहुत बढ़ जाती है और हम एक्सपोर्ट्स में भी पीछे हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले फैसले। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे तानाशाही भरे फैसले देश पर थोप दी। पहले नोटबंदी से अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, फिर रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी। जीएसटी ने छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया और छोटे व्यापारियों को अपना धंधा बंद करना पड़ा। टेक्नोलॉजी की भारी कमी। बेहतर टेक्नोलॉजी उद्योगों की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी पर दूसरे देश की तुलना में कम काम हो, इसलिए विदेशी निवेशक भारत की जगह चीन और वियतनाम का रुख कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया भर के देशों में जाते हैं, लेकिन वहां पर वे केवल अपने दोस्तों के लिए डील करके आते हैं। नतीजतन भारत में विदेशी निवेश कम आता है। निवेशक चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों का रुख कर रहे हैं, इसलिए भारत पिछड़ रहा। नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया फेल हो रहा है, इसलिए मोदी जी अपने दोस्तों के लिए काम करना छोड़कर देश के लिए काम कीजिए।